वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ट्रांसपोर्टेशन के नए रूल्स बनाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के पुराने नियमों के मुताबिक एक बाइक पर दो लोग उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते और दोनों का हेलमेट लगाना भी जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी के सभी ओरिजिनल पेपर भी साथ होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो पुलिस कर्मी आपकी फोटो खींच आपका चालान काट देते थे और फिर वो चालान आपके लिंक्ड होम एड्रेस पर पहुंचता था। तब आपको मालूम पड़ता था कि आपका चालान कब और कैसे कटा। कई लोग इस नियम से परेशान हैं क्योंकि कभी कभी वो एक सेकेंड के लिए भी हेलमेट उतारते हैं तो फोटो खींच ली जाती है और घर पर चालान पहुंच जाता है। ऐसे में कई लोग तभी के तभी एग्रेसिव हो जाते हैं और खुद की गलती होने पर भी पुलिस कर्मी को डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन इस बार ट्रांसपोर्टेशन में एक नया बदलाव लाया गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन के पुलिस कर्मी नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का सिर्फ फोटो खींच कर चालान नहीं काटेंगे, अब वो वाहन चालक की वीडियो बनाएंगे। अब से चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वेरिएबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, वेट इन मशीन, ऐसी कई तकनीक शामिल है। ट्रांसपोर्ट पुलिस अधिकारी के मुताबिक नई तकनीक का इस्तेमाल होने से पुलिस कर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के अभद्र व्यवहार को भी रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अभी तक नियम तोड़ने वालों के पास चालान का नोटिस पहुंचने में कई महीने का समय लगता था। इससे चालान भरने में भी लोग देरी करते थे और सरकार को समय पर रेवेन्यू नहीं मिल पाता था। अब से चालान काटने के 15 दिन के अंदर ही नोटिस भेजा जाएगा और तब तक सबूतों के रिकॉर्ड रखे जाएंगे जब तक कि चालान भर नहीं जाता है, और साथ ही कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और इंडिकेटर्स लगाए जाएंगे ताकि उसमें भी नियम का उल्लंघन और अगर वाहन चालक कोई अभद्र व्यवहार करता है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला